आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला, और इफ फॉर्मूला में मल्टीपल कंडीशन की बात करेंगे। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन है उनसे रिक्वेस्ट है, खाया तो है तो ऑनलाइन, बट फिर भी खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल जरूर रख लीजिएगा, पता नहीं वायरस कैसे भी आ सकता है। चलिए मजाक, क्लास चलते स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे हम सेल्स की बात करें, मान लीजिए कुछ नंबर्स हमने दिया हुआ है, तो अब हमें अगर चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटर देन 50 है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला में डाल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, राइट, लेस देन इक्वल टू 50। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इसे 50 to 60 के बीच में चाहिए, या फिर 40 to 60 के बीच वाले को मुझे यहां पे 500 देना है, अदरवाइज 0 देना है, राइट। तो इस केस में हमारे पास, अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस पे इफ, दो इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडीशन एक इफ, जितने कंडीशन उतने इफ यहां पे देना पड़ेगा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और इसमें एक और इफ लगाना पड़ेगा, और ए लेस देन इक्वल टू 60, ऐसा हो तो 500 अदरवाइज 0 और कॉमा 0। अरे कॉमा 0 क्यों दिया, क्योंकि दो इफ है तो दो कंडीशन, क्या तो दो फॉल्स होना चाहिए। इस इफ को देखिए, ए इफ है, इसका लॉजिकल टेस्ट हुआ, और इसका ट्रू पार्ट कौन सा है, दूसरा इफ है, और फॉल्स पार्ट ये 0 हुआ, और इस इफ का कंडीशन ये हुआ ट्रू पार्ट 500 और फॉल्स पार्ट 0। तो एक चेक करेगा क्या ये नंबर ग्रेटर देन 40 है, अगर ग्रेटर देन 40 है तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में, तो पहले दूसरा इफ समझ जाएगा कि मेरे पास केस आया है तो ग्रेटर देन 40 है, जस्ट एक कंडीशन चेक करनी है, क्या है लेस देन 60 तो नहीं है, क्या क्या 500 देना है, हमें रिजल्ट देना है, मैं कंडी हमने कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट तो कुछ देना होगा ना, क्या क्लियर। चलिए इसमें आगे बढ़े, तो इसमें इतना कंफ्यूजन है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है एंड का, एंड फॉर्मूला में एक एक करके अपने कंडीशंस देते जाइए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और फिर इसको चेक कर दिया कि लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। एंड फॉर्मूला एक से ज्यादा रिजल्ट लेता है, एंड फॉर्मूला क्या करता है, एक से रिजल्ट लेता है और आपको ट्रू एंड फॉल्स में यहां शो करता है, क्लियर है। तो ट्रू एंड फॉल्स में, अब इस ट्रू एंड फॉल्स को, जो ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स को हमें अपने रिजल्ट में शो करना है, तो जाहिर सी बात हम इफ लगा लेंगे, क्या सर, उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे इफ लगा लेंगे, इफ के साथ यहां पे हमने लिखा कि अगर ये हो तो, और यहां पे जीरो, समझ गया। अब इसको अगले एग्जांपल पे चलते हैं,
दूसरा अगला एग्जाम्पल है कि मेरे पास यहाँ पे नेम्स है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, और नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो नाम देना है नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे अपने स्कूल दे देता हूँ। इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, और मुझे यहां पे रिजल्ट देना है। रिजल्ट में पास फेल हमें देना है, और पास फेल में मुझे यहां पे पास तभी देना है जब हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट ग्रेटर देन थर्टी हो, या कुछ ऐसा मान लीजिए, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पर देंगे फॉर्मूला एंड का, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है और सारे कंडीशन देंगे क्या एक ग्रेटर देन 30 है, फिर दूसरे को चेक करेंगे क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर इसको चेक करेंगे क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और फिर इसको चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। सब में 30 होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इफ जो है रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स ही देता है, इफ जो है रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स ही देता है। ठीक है, अब इस ट्रू एंड फॉल्स को पास एंड फेल में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना सर। हाँ, इसके आगे हमें इफ लगाना है, बस आप लोगों को सुनना ही पड़ा कि इफ, और यहाँ पे ट्रू एंड इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, क्यों कि ये ऑलरेडी एंड ट्रू एंड फॉल्स आता है, तो ट्रू देके आप अपना फॉर्मूला का स्टेप बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे हमने कर दिया पास। अब यहाँ पे ऐसा नहीं एंड से ही किया जा सकता, इसमें एक और तरीका अपनाया जा सकता है, एक फॉर्मूला काउंट इफ का भी होता है, इक्वल काउंट इफ, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसमें रिजल्ट आपका क्या आया। अब इसमें यहां पे इफ कंडीशन दे देंगे कि इफ काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 है तो पास, समझे। अब सोचेंगे कि सर इतना अच्छा फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ, तो फिर हम यहां एंड क्यों लगाएंगे, क्या सर एंड हम क्यों लगाएंगे, क्वेश्चन उठता ना सर। हेलो, देखिए इसमें तो आपका फिक्स हो गया ना कि अगर B2 से E2 तक एक ही कंडीशंस है, B2 से E2 तक आपका एक ही कंडीशन है, तो यह यूज करें ना।
अगर मान लीजिए कि चलो पता चलेगा कि सब्जेक्ट S1 50 नंबर का था तो उसमें 13 नंबर आना चाहिए, S3 आपका 150 का था तो 75 नंबर पासिंग मार्क है उसका। तो हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क अलग अलग होगा, मैक्सिमम अलग होगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या सर सही बोला हूं ना? चलो तो उस लिए हम वहां पे एंड यूज करेंगे क्योंकि एंड में फैसिलिटी है अलग अलग कंडीशन देने की। हाँ, यहां पे काउंट इफ्स है वो भी कर सकते हैं हम, तो फिर उसमें आपको एक कंडीशन इक्वल टू एक स्टेप तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना आपको सर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम एक और तरीके एक और फॉर्मूला होता है और का, जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास आईडी प्रूफ का, इसी में करता हूं इसी नीचे, यहाँ पे मान लीजिए कि आईडी प्रूफ किस जमा करना है, यहाँ नेम है और आईडी है कि भाई किसी ने यूआईडी दिया, मतलब आधार दिया है, किसी ने पैन नंबर दिया है, किसी ने डीएल दिया है, किसी ने पासपोर्ट दिया है और किसी ने वोटर आई कार्ड दिया है, और मुझे यहाँ पे स्टेटस देना है। अभी इसमें क्या है कि हम जो मांग रहे हैं वो एक ए मांग रहे हैं, किसी में से कोई एक मांग रहे हैं। अब कोई एक या एक दो भी दे सकता है क्या? मान लीजिए पूजा ने क्या किया है कि इसने यूआईडी दे दिया है और नीरज ने क्या किया कि पैन नंबर भी दे दिया और इसने वोटर आईडी भी दे दिया। अब मुझे इसमें एक क्या करना है कि स्टेटस में ओके और पेंडिंग देना है, जिसका एक भी ज्वाइन है दैट इज ओके और जिसका एक भी ज्वाइन नहीं है, मिनिमम कोई एक हमें चाहिए इसमें, क्या चाहिए? कोई एक चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे और का, और इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर a इक्वल टू y है कॉमा a इक्वल टू y है कॉमा अगेन a इक्वल टू लेकिन क्वेश्चन तब आएगा जिसमें हम बोलते हैं कि भाई मुझे दो चाहिए, पैन कंपल्सरी है, पैन के अलावा इन चारों में से कोई एक चाहिए, मतलब मुझे दो चाहिए जिसमें से पैन तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा इन चारों में से कोई एक चाहिए। उस केस में हम एंड और को मिक्स कर देंगे, इक्वल एंड, और एंड में हम दे देंगे पैन कार्ड कि पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है, और फिर और देंगे, और देने में बाकी को सिलेक्ट कर देंगे कि भाई इसमें से वाईडी चाहिए, तो एंड को तो चाहिए चाहिए, दो चाहिए, इसमें दो कंडीशन, दो चाहिए, एक पेन से चलाएगा और दूसरा और से आएगा, और क्या करेगा इसको कोई एक भी मिलेगा तो ओके कर देगा, समझे नहीं? रिजल्ट आपके पास ये आया, फॉल्स आया, ये ट्रू आया, समझे? डीएल दे दो फिर भी ऊपर फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें दो चाहिए और जैसे पैन दे दिया ये आपको ट्रू हो जाएगा। अब इसमें रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो, ओके? अब मान लीजिए कि मेरे पास एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क सेलेक्ट करना है, वर्क सेलेक्ट करना है, तो यहां पे मुझे आपको ऑनलाइन है और दूसरा हमारा वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक चूज करना है, दोनों छोड़ना नहीं है, समझे? यहाँ पे स्टेटस मुझे शो करना है कि दोनों यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, ट्रू कब आएगा इसमें, ट्रू कब आना चाहिए जब
वाई हो, दोनों में वाई हो तो ट्रू, और दोनों में ब्लैंक हो तो ट्रू नहीं होना चाहिए, समझे? इसमें वाई हो या इसमें वाई हो, दोनों में वाई नहीं होना चाहिए और दोनों में फॉल्स नहीं हो, मतलब ब्लैंक होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स और का, इसका होता है एक्स और, एक्स और हम इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई, इसको इक्वल टू वाई। तो एक्स और कि एक्स और में दो कंडीशन दिया, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन इसको चाहिए होगा, ठीक है? फॉल्स आया, ट्रू आ गया, और जैसे दो कंडीशन होगा तो फॉल्स आएगा। क्लियर आप लोगों को सर? अभी आपने मल्टीपल कंडीशंस आपने ऐड करना सीखा, राइट? अब आपको इसको मॉडिफाई क्या करना, अभी जैसे मैंने एंड लगाया और बताया कि इसको एंड के जरिए सिंपलाइज किया जा सकता है, और साथ में मैंने आपको यहां ये भी दिखाया कि विदाउट एंड भी किया जा सकता है, राइट? तो अभी तो मैंने एग्जांपल किया ए इसका सब्जेक्ट पास आउट वाला, इसमें हमने क्या किया हुआ एंड लगाया है। अब इसको एंड ना लगा के इसके जगह पे आपको क्या करना पता है? इसके जगह पे आपको और का फॉर्मूला लगाना, सॉरी नेस्टेड इफ लगाना है। इसको कीजिए और मुझे भेजिए।